शालोम अलैकुम। मसीह में मेरे भाइयों और बहनों, आपको शांति हो। आज का हमारा वचन है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है फिलिपियों की पत्री, उसका तीसरा अध्याय, उसकी 13वीं व 14वीं आयत। चलिए पढ़ते हैं। 13वीं आयत में लिखा है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उसको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशान की ओर दौड़ता चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। भाई, बहुत बहुत ही सुंदर वचन फिलिपियों को लिखा है पावल। ये आज हम सभी को समझना है, जैसे पावल 13वीं आयत में कहता है कि मैं पकड़ चुका हूं ऐसे तो नहीं, क्योंकि अभी हम जर्नी में हैं, तो हमने पा लिया है ये बात नहीं है, पर हम उस तरफ जा रहे हैं। जब हम यीशु से मिलेंगे तब हम संपूर्ण हो जाएंगे, तब हम पकड़ चुकेंगे, पर अभी हम जर्नी में हैं। तो वो कहता है कि मैं पकड़ चुका हूँ ऐसा नहीं है, पर मैं अभी जा रहा हूँ, मैं उस तरफ जा रहा हूँ। और आगे कहता है कि मैं बस एक काम करता हूँ, जो भी पीछे छूट गया उसको भूल कर बस आगे बढ़ता जा रहा हूँ। जैसे हम किसी रेस में होते हैं तो जो दौड़ने वाला होता है वो हमेशा आगे देख के दौड़ता है, उल्टा होके नहीं दौड़ता है। उसको जिस तरफ जाना है उस तरफ आगे बस दौड़ता जाता है। वो ये नहीं सोचता है कि लास्ट वाला कितनी दूर है, या मेरे से दूसरा है वो कितनी दूर है। बस वो ये सोचता है कि मुझे आगे बढ़ना है और मेरे आगे कोई ना हो, मैं बस बढ़ता जाऊँ, बढ़ता जाऊँ, बढ़ता जाऊँ, उसी तरफ वो दौड़ता जाता है, पीछे नहीं देखता। आज भी हम जो चीजें हम पीछे छोड़ के आए हुए, हमारा पुराना जीवन, हमारी पुरानी बातें, हमारे पुराने लोग, हमारे पुराने जो भी हॉबीज थी, वो हमारे पुराने जो भी हमसे जुड़े हुए थे, सब कुछ हमारे पाप यीशु ने माफ कर चुके हैं। अब उसको याद करके हमें वापस अपने आप को पीछे नहीं खींचना है। पिछली सारी ही बातें, चाहे अच्छी हो या बुरी, हाँ भाइयों और बहनों, चाहे अच्छी बातें हो या बुरी बातें, जो भी पीछे छूट गया है वो बस आपको आगे बढ़ने से रोकता है, वो आपको पकड़ के रखता है। सारी चीजों को छोड़ के आगे बढ़िए। कभी ये मत याद कीजिए कि हमने ये पाप किए थे, या हमारी ये संगति थी, या हम इस तरह का जीवन जीते थे। कभी ये मत सोचिए कि मैं पॉपुलर नहीं हो रहा हूँ, मैं सेंटर में नहीं हूँ, मैं लोगों के बीच में नहीं हूँ। परमेश्वर के बीच में हो आप, और यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा ये जीवन तो अभी ख़त्म होने को आया है। जहाँ हम जाएंगे यीशु हमें सेंटर में रखेगा, क्योंकि वो हमारा पिता है और उसी ने हमें बुलाया है। हमारे में से कितने भी बिलीवर्स होते हैं जो शुरू की लाइफ में बहुत आगे होते हैं, और वो उन बातों को याद करके कि जो उन्होंने शुरू में करी होती है उससे बड़े खुश होते हैं। कहीं गवाही दी होती है, कहीं यीशु का काम किया होता है, कहीं शुभ समाचार दिया होता है, तो वो उसी को याद करते हैं और ये सोचते हैं कि हमने यीशु के लिए बहुत किया, पर अब वो बीत चुका है, वो कल हो चुका है। अब आज हम क्या कर रहे हैं? हम अभी कुछ कर रहे हैं क्या यीशु के लिए? आगे हम क्या करने वाले हैं? उस तरफ हमारा लक्ष्य होना चाहिए। पिछला सब कुछ चला गया है। पिछले जीवन में आप शायद बहुत अच्छे होंगे, और
और यीशु को बस पकड़े हुए होंगे, छोड़ना नहीं है ये सोच के चल रहे होंगे। आज हमारी क्या हालत है? क्या आज हम यीशु के साथ हैं? एक बार हम चल लिए तो फिर हम पीछे नहीं देख सकते। एक वचन है लुका में, लुका उसका 9वां अध्याय और उसकी 62वीं कलम। यीशु ने उसे कहा कि जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। हम पीछे नहीं दे सकते, हमें बस आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। एक बारी जो काम चालू कर दिया बस उसको खत्म करना है। यीशु से मिल लिए तब हमारा काम खत्म होगा, तब हमें नया काम दिया जाएगा। प्रभु की स्तुति का, प्रभु की महिमा हो। बस हम उस तरफ दौड़ते जाए और प्रभु हमें उसकी आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। ऐ हमारे पिता, आपका नाम महान माना जाए, हम आपके बच्चे आपके चरणों में हैं। हमेशा हमारा ध्यान आगे की तरफ रखे प्रभु, पीछे का सब कुछ भूल के, हमारी सारी बातें भूल के बस प्रभु हम आपकी तरफ बस दौड़ते आए प्रभु। ऐसे होने दो प्रभु, यीशु के नाम।